हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्माकोथेरेप्यूटिक्स के लास्ट चैप्टर की, यानी कि चैप्टर नंबर 2 में बात करेंगे यूनिट नंबर एम की। ये आज का जो लेक्चर होने वाला है, ये आपका लास्ट लेक्चर होने वाला है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स। इसके बाद आपका सारा सिलेबस हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसका वीडियो भी और नोट्स भी आपको हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पर मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या आप ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वुमेन हेल्थ के बारे में, यानी कि वुमेन हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी डिजीज है उनके बारे में आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। तो वुमेन हेल्थ में हमें तीन टाइप के डिजीज के बारे में पढ़ना है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, डाइमेनोरिया और प्रीमेंचुरेशन सिंड्रोम। तो सबसे पहले फर्स्ट हम बात करेंगे कि वुमेन हेल्थ क्या होता है और इसमें कौन कौन सी डिजीज हो सकती है। सबसे पहले हमारा आता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। नेम से डिफाइन हो रहा है, पॉली का मतलब आपको पता होगा एक से ज्यादा, सिस्टिक का मतलब होता है सिस्ट, ओवरी का मतलब होता है ओवरी पे, ठीक है। यानी कि ये क्या है, एक टाइप का हार्मोनल डिसऑर्डर है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ओवरी का साइज होता है वो बड़ा हो जाता है। आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज का स्ट्रक्चर देखा होगा। तो इस सिंड्रोम में क्या होता है, जो ओवरी है, ओवरी का जो साइज है वो क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, और उसके आउटर सरफेस पे क्या हो जाते हैं, स्मॉल स्मॉल सिस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको बोला जाता है सिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। और इसकी वजह से क्या होता है, काफी सारे ये जो पर्टिकुलर पॉलीसिस्टिक होता है, ये काफी सारे डिसऑर्डर की वजह से होता है, यानी कि इसकी वजह से काफी सारे डिसऑर्डर हो जाएंगे फीमेल्स में, ठीक है। तो डेट इज कॉल्ड पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। पॉली का मतलब बहुत सारे, एक से ज्यादा, सिस्टिक ओवरी यानी कि जब ओवरी में क्या हो जाए, सिस्ट बन जाए, और ओवरी का जो साइज है वो क्या हो जाए, इनलार्ज हो जाए, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पॉलीसिस्टिक सिंड्रोम, ठीक है। मेनली ये क्या होता है, मेनली ये कॉम्बिनेशन हो सकता है जेनेटिक और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों का, ठीक है। तो डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। जो PCOS होता है, ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है एंडोक्राइन डिसऑर्डर का, जिसकी वजह से क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन एबनॉर्मलिटीज हो सकती है, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो सकती है, क्रॉनिक ओवुलेशन हो सकता है, या फर्टिलिटी क्या हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है, ठीक है। इसको मेनली क्या बोला जाता है, स्टीन लेविंथल सिंड्रोम भी बोला जाता है। ये मेनली वुमेन्स में अगर देखा जाए तो 6 to 10% वुमेन्स के रिप्रोडक्टिव को ये क्या करता है, अफेक्ट करता है, ठीक है। मेनली इसकी वजह से क्या है, ऑबेसिटी कॉज हो सकती है, डायबिटीज टाइप 2 डायबिटीज में ये हो सकता है, ठीक है, प्रीमैच्योर एर्थ्रोस्क्लेरोसिस एसोसिएट हो सकता है, और इस टाइप के जितनी भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है वो इसमें इंडिकेट हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इटियोपैथोजेनेसिस PCOS का। तो मेनली अगर PCOS का डेवलपमेंट देखा जाए तो ये अभी कंप्लीटली अंडरस्टूड नहीं है, बट जैसे जैसे रिसर्च आई है वैसे वैसे इनका कंक्लूजन निकला है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये कुछ मार्क हैं जो पर्टिकुलर इस डिजीज में हो सकता है, जैसे कि एंड्रोजन बायोसिंथेसिस में क्या होता है, मेनली अगर एंजाइम का जो रेगुलेशन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो उसकी वजह से ये कॉज हो सकता है, या फिर एंड्रोजन प्रोडक्शन के एक्सेसिव अमाउंट में होने की वजह से भी ये क्या हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है PCOS, ठीक है। तो कुछ बेसिक मार्क हैं ये। उसके बाद अगर देखा जाए तो मेनली PCOS में क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है, एडिपोज टिश्यू मेटाबॉलिज्म अल्टर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, डायबिटीज और ओबेसिटी कॉज हो सकती है, यानी कि डायबिटीज और ओबेसिटी डेवलप हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम है वो क्या है, वो एक कॉम्प्लेक्स है बहुत सारे डिसऑर्डर्स का, यानी कि सिस्टिक ओवरीज के साथ साथ बहुत सारी डिजीज भी कॉज हो सकती है, ठीक है। उसके बाद अगर मॉर्फोलॉजिकल देखा जाए, मॉर्फोलॉजिकल एबनॉर्मलिटी की बात की जाए, तो जो हमारा न्यूमरस सिस्टिक फॉलिकल्स होता है, जो या फिर जो हमारे फॉलिकल सिस्ट होते हैं, ये क्या कर देते हैं, ओवरीज के साइज को बड़ा कर देते हैं, ठीक है, फॉलिकल्स आपको पता होगा, ठीक है। तो ये मेनली होता क्या है कि ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ओवरीज के साइज को इनलार्ज कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है। मेनली अगर देखा जाए तो आफ्टर द रिसर्च
परसेंट एक्सपेरिमेंट अगर देखा जाए तो 20-30% जो वुमेन्स होते हैं उनमें पॉलिसिस्टिक ओवरीज डिटेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या होता है, इस कंडीशन की वजह से जो हमारा फ्री सीरम एस्ट्रोन लेवल है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और पीसीओएस में काफी कॉमन रिस्क हो सकते हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया या फिर कार्सिनोमा जैसे रिस्क हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं पीसीओएस के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, तो ओबेसिटी कॉज हो सकती है, ठीक है। इंसुलिन का जो लेवल है ब्लड में वो हाई हो सकता है, ओवेरियन सिस्ट हो सकती है। ओवेरियन सिस्ट का मतलब होता है पर्टिकुलर जो हमारी ओवरीज होती है उन पे क्या हो जाएंगे, दाने दाने टाइप हो जाएंगे आउटर सरफेस पे, ठीक है। एंडोग्राइन जो है वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करेगा, जो हमारा मेंसुरेशन साइकिल है वो भी क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, मिस भी हो सकता है और इरेगुलर भी हो सकता है, ठीक है। एंड्रोजन का जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, एक्सेसिव बॉडी हेयर ग्रोथ हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या हो रहा है, हॉर्मोन्स का डिसबैलेंस हो रहा है, ठीक है। मूड स्विंग होंगे, कभी गुस्सा आएगा, कभी नॉर्मल मूड हो जाएगा, तो इस टाइप के मूड स्विंग्स आएंगे, फैटिग्यू और एक्ने। नेक्स्ट इसमें आते हैं पीसीओएस के मैनेजमेंट की बात, तो दो टाइप से मैनेज कर सकते हैं, फार्माकोलॉजिकली जिसमें हम कोई मेडिसिन यूज कर सकते हैं जैसे कि इंसुलिन सैनिटाइजिंग मेडिकेशन, यानी कि इंसुलिन को मेंटेन करने के लिए हम दे सकते हैं मेटफॉर्मिन, ठीक है, पियोग्लिटाजोन। सेकेंड इसमें है एंड्रोजन ब्लॉकिंग मेडिकेशन, क्यों, क्योंकि इसमें एंड्रोजन का जो लेवल है वो हाई हो रहा था, तो हम क्या करेंगे, उसके लेवल को ब्लॉक करने वाली मेडिकेशन देंगे, जैसे कि न्यूलुटामाइड, ठीक है। और सेकेंड इसमें है ल्यूप्रोलाइड। नेक्स्ट थर्ड इसमें आते हैं ओवुलेशन इंडक्शन मेडिकेशन, जिसमें हमारा आता है क्लोमिफीन सिट्रेट। हम इसमें एंटीबायोटिक्स भी यूज कर सकते हैं और एंटी एक्ने ड्रग भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आते हैं नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, तो सबसे पहले तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें, कंसल्ट करें, अपनी लाइफस्टाइल के बारे में उनसे डिस्कस करें, ठीक है। लाइफस्टाइल का मतलब है सुबह जल्दी उठना, कितना हमें सोना है, कितना नींद हमारे लिए नेसेसरी होते हैं, वो सारे के सारे इंस्ट्रक्शन आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से ले सकते हैं। सेकेंड इसमें है डाइट पैटर्न, इसमें बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं, क्यों, क्योंकि जो डाइट पैटर्न होता है वो डेफिनेटली सी हमारे हमारी जो बॉडी का BMR है, यानी कि बेस मेटाबॉलिक रेट है, उसको मेंटेन करके रखता है और कहीं ना कहीं बॉडी वेट को भी मेंटेन करके रखता है, ठीक है। बिहेवियर चेंजेस जैसे कि एंगर, सैडनेस, एंजाइटी कॉज हो सकती है, हार्मोन्स चेंज की वजह से बैलेंस नहीं होता है ना, इसमें प्रॉपर तरीके से हार्मोन्स बैलेंस नहीं हो पाते तो उसकी वजह से हो सकते हैं, तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो आप उतना खुश रहने की कोशिश करें, ठीक है। उसके बाद टोबैको, अल्कोहल और कैफीन का जो कंजप्शन है उसको बहुत कम कर दे, क्योंकि ये क्या करते हैं, एंड्रोजन का प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। जो आपको पता होगा कि पीसीओएस में पहले से ही एंड्रोजन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होता है, अगर आप इसका कंजप्शन करते हैं तो डेफिनेटली सी बात है कि और ज्यादा हो जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, योगा, ठीक है, उसके बाद आप फिजिकल कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, मेंटली कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेस है वो रिड्यूस हो, जो एंगर है वो रिड्यूस हो और हॉर्मोन का जो लेवल है वो क्या है, बना रहे। नेक्स्ट हमारा आता है डाइसमेनोरिया। डाइसमेनोरिया क्या है, ये भी एक टाइप के मेडिकल टर्म है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ड्यूरिंग द मेंसुरेशन साइकिल जो पेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डाइसमेनोरिया बोलते हैं, ठीक है। मेनली जो मेंसुरेशन साइकिल के दौरान जो पेन होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उस कंडीशन में जो वुमेन का यूट्रस होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से पेन फील होता है। तो यानी कि डाइसमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन है ड्यूरिंग द मेंसुरेशन साइकिल जो पेन होता है, दैट इज कॉल्ड डाइसमेनोरिया, ठीक है। अब डाइसमेनोरिया दो टाइप के हो सकते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। प्राइमरी जो डाइसमेनोरिया होता है उसमें पेन होता है, जबकि जो सेकेंडरी डाइसमेनोरिया होता है उसमें कोई भी रिप्रोडक्टिव डिजीज कॉज हो सकती है, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। सेकेंड थिंग इज कि इसमें जो प्राइमरी डाइसमेनोरिया होता है वो 17-22 एज की जो गर्ल्स होती हैं उनमें होता है, जबकि
जो हमारा सेकेंडरी डाइसमेनोरिया के चांसेस रहते हैं वो मेनली ओल्डर वुमेन्स में ज्यादा रहते हैं। ठीक है, ये तो ये बेसिक बेसिक नॉलेज थी। डेफिनेशन स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जो डाइसमेनोरिया टर्म है ये एक मेडिकल टर्म है। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? ड्यूरिंग द मेंसुरेशन साइकिल जो पेन होता है डेट इज कॉल्ड डाइसमेनोरिया। और डाइसमेनोरिया में पेन हो सकता है, क्रैम्पिंग हो सकते हैं ब्लड के, या फिर लोअर एब्डोमिनल में ये हमारा क्या हो सकता है, पेन कॉज हो सकता है। ठीक है, जस्ट बिफोर यानी कि पहले मेंसुरेशन साइकिल से हो सकता है, या फिर ड्यूरिंग द मेंसुरेशन फ्लो भी हो सकता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताए थे कि जो डाइसमेनोरिया होते हैं वो दो टाइप का होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी इतना हार्मफुल नहीं होता है, सेकेंडरी डेफिनेटली हार्मफुल होता है। तो जो प्राइमरी डाइसमेनोरिया होता है मेनली उसमें क्या होता है, जस्ट पेन होता है, बट वो नॉर्मल कंडीशन में ही काउंट किया जाता है। उसमें कोई भी पैल्विक डिजीज आइडेंटिफाई नहीं की जाती, यानी कि उसमें जो पैल्विक डिजीज है, पैल्विक कौन सा पार्ट होता है जिसमें हमारा यूट्रस फैलोपियन ट्यूब वगैरह आती है, वो हमारा कौन सा पार्ट होता है, पैल्विक पार्ट होते हैं। तो जो प्राइमरी डिसऑर्डर होता है डाइसमेनोरिया, उसमें कोई भी पैल्विक डिजीज आइडेंटिफाई नहीं होती, यानी कि अब्सेंट होती है। जबकि जो हमारा सेकेंडरी डाइसमेनोरिया डिसऑर्डर होता है, इसमें पैल्विक डिजीज हो सकती है, जैसे कि एंडोमेट्रोसिस। ठीक है, एंडोमेट्रोसिस क्या है, एक टाइप की डिजीज है जिसमें मेनली हमारा जो पर्टिकुलर टिश्यूज है वो क्या करने लगते हैं, एबनॉर्मल ग्रोथ करने लगते हैं ओवरी में, फेलोपियन ट्यूब में और इंटेस्टाइन में। लियोमायोमस क्या है, ये भी एक डिसऑर्डर है जिसको हम क्या बोल सकते हैं, स्मूथ मसल्स ट्यूमर भी बोल सकते हैं, जो मेनली यूट्रस और जीआईटी से स्टार्ट होता है। तो इस टाइप की कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट हमारा आता है डाइसमेनोरिया में इटियोपैथोजेनेसिस। तो जब मेंसुरेशन साइकिल होता है तो मेनली हमारा वहां से क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, जिसकी जो कहां से रिलीज होता है, एंडोमेट्रियल सेल से रिलीज होता है। अब आपको पता होगा अगर आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा होगा कि जो एंडोमेट्रियल सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूट्रस की लेयर होती है। ठीक है, ये क्या करता है पर्टिकुलर, ये यूथ्रस को क्या कर देता है, कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि यूथ्रस को क्या कर देगा, टाइट कर देगा। और जैसे ये बहुत ज्यादा टाइट होगा, यानी कि यूथ्रस जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो इसमें से इसके पास की जो ब्लड वेसल्स हैं, जो ब्लड क्या कर रही है, पास कर रही है, वहां की जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएगी, वो प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाएगी मसल्स टिश्यू में, यानी कि वहां पे जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, जिसकी वजह से आप क्या करते हो, पेन फील करते हो। यानी कि जैसे ये कुछ सेकंड्स के लिए होता है, तो मेनली जैसे ही वहां पे ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो लॉस हो जाएगी तो आपको पेन फील होता है। ठीक है, मेनली ये जो कभी कभी क्या होता है, ये जो पेन होता है, पेनफुल मोमेंट होता है, ये कभी कभी क्रैम्प्स के साथ भी होते हैं। क्रैम्प्स का मतलब होता है लाइक चक्कर आने वाली कंडीशन हो जाएगी, वीकनेस फील होगा, इस टाइप की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, पीजी का जो प्रोडक्शन होता है, पीजी मतलब प्रोस्टाग्लैंडिन का जो प्रोडक्शन होता है वो होता है ड्यूरिंग 1 आवर्स ऑफ मेंसुरेशन, यानी कि जब मेंसुरेशन का स्टार्टिंग का 1 आवर्स होगा तब पीजी का प्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट इसमें आते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में स्वेटिंग कॉज हो सकती है, वीकनेस फैटिग हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है यानी कि जिसमें नींद नहीं आएगी प्रॉपर तरीके से, नॉजिया वॉमिटिंग डायरिया कॉज हो सकता है, बैक पेन हो सकता है जो मोस्ट ऑफ केसेस में होता है, हेडेक माइग्रेन टेंशन हेडेक हो सकता है, डिजीनेस एंड सिंकॉप हो सकता है। सिंकॉप का यहाँ पे मतलब है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि जिसमें क्या है कि या तो वुमेन्स जो है वो फेंट होके गिर जाती हैं, चक्कर खा के गिर जाती हैं, लो फील करती हैं, तो या फिर लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है। ठीक है, कुछ अदर इंक्लूडिंग क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है लाइक सेंसेशन ऑफ ब्लॉटिंग, वेट गेन होना, ऑडिमा कोज होना हैंड और फीट में। ठीक है, ब्रेस्ट टेंडरनेस हो सकती है, एक्ने, एंजाइटी, एग्रेशन, मूड इरिटेबिलिटी हो सकती है, यानी कि सबसे ज्यादा जो होता है मेनली एग्रेशन और मूड स्विंग्स यानी कि मूड इरिटेबिलिटी हो सकती है, फूड क्रैविंग्स हो सकते हैं कुछ अलग अलग नया खाने में। ठीक है, खाने में फूड क्रैविंग्स हो सकती है एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा आता है मैनेजमेंट, यानी कि डाइसमेनोरिया को कैसे मैनेज कर सकते हो। फार्माकोलॉजिकली की अगर बात की जाए तो आप इस टाइप की ड्रग यूज कर सकते हो जो पेन को क्या करे, रिड्यूस करे, कम करे, लाइक नसेट्स जिसमें आप आइबुप्रोफेन सबसे कॉमन ड्रग है जो सबसे ज्यादा यूज की जाती है। डेफिनेटली सी बात है साइड इफेक्ट तो जरूर होंगे, लेकिन इसमें पेन को रिड्यूस करने के
के लिए दिया जाता है, मेफेनेमिक एसिड और नेप्रोक्सेन हो गया और निमोसलाइड, ठीक है। नेक्स्ट इसमें ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर सकते हो लाइक नॉर्थिनड्रोन और लिवोनॉर्जेस्ट्रिल, ठीक है। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करेंगे, ठीक है, वही आपको प्रॉपर आपके लाइफस्टाइल के बारे में बताएगा, आपको कुछ चेंज करना है, आपको किस टाइम से किस टाइम की नींद लेनी है, आपको कितना जल्दी उठना है, वो सारे इंस्ट्रक्शन आपको गायनो देगा, ठीक है। सेकेंड, या फिर आप क्या कर सकते हो, डाइट, डेफिनेटली सी बात है डाइट पैटर्न इज वेरी नेसेसरी, ठीक है, इसेंशियल है, क्योंकि ये क्या करता है बीएमआर और बॉडी वेट को बना के रखता है, ठीक है। थर्ड इसमें आता है बिहेवियर चेंजेस, जैसे कि एंगर होना, सैडनेस होना, एंजाइटी कॉमन है इस डिजीज में, तो इसमें हार्मोन्स जो है वो बैलेंस प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाते, तो हमें क्या करना है हार्मोन्स को बैलेंस करके रखना है, और बहुत ज्यादा मतलब ऐसी जगहों पे जाना है जहां आपको आपको अच्छा लगे, हैप्पी फील हो, ठीक है, उस जगह पे आप जा सकते हैं, यानी कि ऐसी चीजें आप कर सकते हैं जिनसे आपको खुशी मिले। नेक्स्ट इसमें आते हैं लेस कंजप्शन ऑफ टोबैको, अल्कोहल, कैफीन, क्योंकि डेफिनेटली सी बात है ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो लेस नहीं, इनको बिल्कुल आपको खत्म करना है, आपको बिल्कुल टोबैको, अल्कोहल, कैफीन का यूज नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं हमारे एंड्रोजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट फिजिकल एक्टिविटी, सबसे ज्यादा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में जो एक्टिव होता है दैट इज फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में, योगा, फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटली एक्सरसाइज, ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं ये बहुत काफी पॉजिटिव इफेक्ट डालती है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के टाइम पे, ठीक है। ये क्या करती है आपके स्ट्रेस को, एंगर को रिड्यूस करती है, कहीं ना कहीं हार्मोन्स को भी बैलेंस करके रखती है। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा आता है प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है, जिसको हम पीएमएस भी बोल देते हैं, ये इस सब्जेक्ट का भी आपका लास्ट टॉपिक है और इस यूनिट का भी आपका लास्ट टॉपिक है। तो नेम से डिफाइन हो रहा है, प्री का मतलब क्या होता है पहले, ठीक है, और मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम का यहाँ पे क्या मतलब होगा, मेंस्ट्रुएशन पीरियड से पहले का जो टाइम होता है, जो सिम्टम्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ठीक है। तो मेनली इसको क्या बोला जाता है, पीएमएस भी बोला जाता है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन एक्टिविटी भी क्या होता है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन पीरियड भी बहुत सारी एक्टिविटी चेंज होती हैं वुमेन्स में, ऐसे ही उससे मेंस्ट्रुएशन पीरियड से पहले भी क्या होता है एक्टिविटी चेंज होती है वुमेन्स में, ठीक है। क्यों होती है, क्योंकि इसका बेसिक सा रीजन है कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है, ठीक है, हार्मोन्स का जो लेवल है वो कम होता जाता है, उस कंडीशन से हो सकता है। तो हमें देखना है कि किस टाइप से हम इसको मैनेज कर सकते हैं और कौन कौन से कंडीशंस इसमें होते हैं। तो जो हमारा पीएमएस होता है, मेनली आपको पता होगा कि ये क्या है, ये एक टाइप का कॉम्बिनेशन होता है फिजिकल और इमोशनल सिम्टम्स से बना हुआ, जिसमें हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी चेंज होती है, ठीक है। हम यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन टाइम की बात नहीं कर रहे, मेंस्ट्रुएशन से पहले वाले टाइम की बात कर रहे, तो इसमें फिजिकल एक्टिविटी वुमेन्स की चेंज होती है, जैसे वीकनेस हो जाना, ठीक है, प्रॉपर काम ना कर पाना, प्रॉपर बॉडी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। इमोशनली भी इसमें क्या हो जाए, इमोशनली भी हम लोग चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि ऐसा फील होता है कि एंग्री टाइप हो जाते हैं, गुस्सा बहुत आता है, कोई काम करने का मन नहीं करता है, किसी से बात करने का, एक चिड़चिड़ापन इसमें आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं पीएमएस। लेकिन ये इसमें सिर्फ एक ही बात ध्यान रखनी है कि ये हम उन सिम्टम्स की बात कर रहे हैं जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले होते हैं, यानी कि प्री, ठीक है। मेनली होता क्या है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है, यानी कि पीएमएस, वो मेनली कब होता है हमारा, जब वुमेन्स में क्या होता है ओवुलेशन प्रोसेस प्रॉपर हो जाती है, यानी कि आफ्टर द ओवुलेशन एंड बिफोर स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल पीरियड, यानी कि ओवुलेशन के बाद और मेंस्ट्रुएशन साइकिल से पहले ये सिम्टम्स इसमें आ जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे रिसर्च ने जब स्टडी की है तो डेफिनेटली सी बात है ये निकल के आया है कि इसमें जो वुमेन्स को क्या होता है स्ट्रेस आता है, एग्री मोमेंट फील करती हैं, चिड़चिड़ा टाइप की हो जाती है, तो वो क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें हार्मोन्स का इम्बैलेंस होता है। बहुत सारे ऐसे रिसर्चर हैं जिन्होंने स्टडी की है, ऐसा लगता होगा कि नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है, एकदम से चिड़चिड़ापन हो जाना,
एकदम से गुस्सा आ जाना है, बट एक्चुअल में इसमें होता है, तो ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है, ये मतलब ध्यान देने वाली कंडीशन है। जितने भी हमारी वुमेन्स हैं हमारे फैमिली में, जितने भी हमारी फीमेल्स हैं, उनका ध्यान रखने वाला टाइम होता है, ठीक है। तो मेनली बहुत सारे रिसर्चर हैं जिन्होंने ये बताया कि ये जो हमारे सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि स्ट्रेस हो जाना, वीकनेस हो जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्सा आना, ये क्यों होते हैं, क्योंकि आफ्टर द ओवुलेशन, यानी कि जब ओवुलेशन कंप्लीट हो जाता है, तो जो हमारे एजेस्ट्रोन एस्ट्रोजन और जो हमारे प्रोजेस्ट्रोन है, वो क्या है, उनका लेवल बहुत तेजी से कम होता है, ठीक है, आफ्टर द ओवुलेशन। तो उसकी कंडीशन, उसकी वजह से क्या है कि वुमेन्स में जो है वो हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, इस वजह से क्या है कि उनकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है, इमोशनली भी और फिजिकली भी। तो ये हमें ध्यान देने वाली बात है, जितनी भी हमारी फैमिली में वुमेन्स है, ये उनका केयरिंग का टाइम होता है कि आप उनको केयर करें, आप उनकी इमोशंस को समझें, आप उनकी फिजिकल एक्टिविटी को समझें, ठीक है। डेफिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि PMS इज द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस, ठीक है, जो जिसमें क्या होता है, मेनली स्ट्रेस कॉज होता है, और ये कब कॉज होता है, बिफोर द ऑनसेट ऑफ मेंसुरेशन, यानी कि जब आपका मेंसुरेशन पीरियड से पहले का जो टाइम है उसमें ये कुछ इस टाइप की कंडीशंस आती है, ठीक है। इसको क्या है, प्रीमेंस्ट्रुअल स्ट्रेस सिंड्रोम भी बोला जाता है, प्रीमेंस्ट्रुअल स्ट्रेस और प्रीमेंस्ट्रुअल टेंशन भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद इट इज लास्ट फॉर अबाउट 4 to 5 days प्रियर ओ टू मैंसुरल, यानी कि ये क्या होगा, मैंसुरेशन साइकिल से पहले जो 4-5 दिन होते हैं उनमें ये कंडीशन कॉज हो सकती है। नेक्स्ट इसमें आते हैं इथियोपैथोजेनेसिस, यानी कि प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कैसे डेवलप हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया कि ये क्या होता है, एक टाइप का हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, इम्बैलेंस जब हमारी बॉडी में हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि आफ्टर द ओवुलेशन प्रोजेस्ट्रोन और जो एस्ट्रोजन जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वुमेन्स में, उनका जो लेवल है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको क्या है, स्ट्रेस फील हो सकता है, इमोशनल बिहेवियर चेंज हो सकता है, या फिर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये किसका कॉम्बिनेशन है, इमोशनल और फिजिकल एक्टिविटी दोनों का ये कॉम्बिनेशन है, ये इसमें ध्यान रखने वाली बात है। अब जैसे ही मेनली हमारा क्या होता है, जैसे ही हमारा प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का जो लेवल है वो कम हो जाता है, तो वो हमारे किस पे इफेक्ट डालता है, मेनली न्यूरोट्रांसमीटर पे इफेक्ट डालता है, यानी कि जो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमारा न्यूरॉन्स को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, इसी वजह से हमारी जो ब्रेन की एक्टिविटी है, क्योंकि स्ट्रेस जो है पार्ट है वो किसका पार्ट है, ब्रेन का पार्ट है। जैसे ज्यादा सोचने लग जाना, कुछ चीजें अच्छी ना लगना, आपको हैप्पीनेस फील ना होना, तो ये सारी की सारी चीजें कौन करा रहा है, ब्रेन करा रहा है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, मेनली हमारा हार्मोन्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका मेन रीजन है। इट इज कॉज्ड बाय द सॉल्ट एंड वाटर रिटेंशन बाय एस्ट्रोजन। डेफिनेटली सी बात है, ये कभी कभी क्या है, सॉल्ट और वाटर के रिटेंशन की वजह से भी हो सकता है बाय द एस्ट्रोजन। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में सबसे जो सबसे ज्यादा कॉमन है वो है मूड स्विंग। कभी आपको हंसने का मन करेगा, कभी आप इमोशनल हो जाएंगे, कभी आपको लगेगा कि मुझे गुस्सा आ रहा है, इस टाइप का कुछ मूड स्विंग्स होते हैं। सेकेंड इसमें है इरिटेबिलिटी एंड एंगर एंड एंजाइटी, ठीक है। लेस इंटरेस्ट इन सेक्स, और आप क्या करेंगे, अकेला रहने की कोशिश करेंगे, आपको लगेगा कि मुझे अकेला रहना चाहिए। जॉइंट पेन हो सकता है, मसल्स पेन हो सकता है, इमोशनल इनस्टेबिलिटी हो सकती है, ठीक है, हेडेक हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, प्रॉपर नींद नहीं आएगी, कॉन्स्टिपेशन कॉज हो सकता है, गैस्ट्रिक एबनॉर्मेलिटी हो सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग होना स्टार्ट हो जाता है, ब्लोटिंग हो जाएगा, जिसमें एब्डोमिनल हमारा क्या है, स्वेल कर जाएगा, कुछ इस टाइप की कंडीशन इसमें होती है। नेक्स्ट इसमें आते हैं प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को मैनेज करने के बाद, तो फार्माकोलॉजिकल मैनेज कर सकते हैं, जिसमें हम क्या कुछ टाइप के ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे एंटी डिप्रेसेंट, जिसमें हमारा एग्जांपल आता है सिटालोप्राम और फ्लोक्सिथीन, ठीक है, इस टाइप के मेडिसिन यूज कर सकते हैं। डायूरेटिक्स यूज कर सकते हैं, जैसे फ्रूसिडमाइड हो गया, टॉर्सिमाइड हो गया, स्पाइनोलैक्टोन हो गया। ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज कर सकते हैं, लाइक आपका नॉर्थिंड्रोन और लिवोनॉर्जेस्ट्रिल। नसेर्स यूज कर सकते हैं पेन को रिड्यूस करने के लिए, आइबुप्रोफेन हो गया, मेफेनेमिक एसिड हो गया, ठीक है, निमोसलाइड्स हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया, ये सब इसमें आते हैं।
नॉन फार्मिकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले तो यही आता है कि आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसर्न करें अपने लाइफ स्टाइल के बारे में, ठीक है, जो भी प्रॉपर वो आपको मेडिकेशन से देते हैं जो भी है। सेकेंड इसमें आता है आपको इसमें प्रॉपर अपने डाइट का ध्यान रखना है जिससे आपका BMR और जो बॉडी वेट है वो मेंटेन रहे, प्रॉपर रहे। बिहेवियर चेंजेस जैसे कि एंगर, सैडनेस, एंजाइटी अगर होती है तो आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप ऐसी जगह जाए जहां आपको खुशी फील हो, हैप्पी फील हो, जो आपको अच्छा लगता है वो आप सारी चीजें कर सकते हैं। उसके बाद लेस कंजप्शन लाइक टोबैको, एल्कोहल एंड कैफीन, बिकॉज ये क्या करते हैं, ये डेफिनेटली हमारे हॉर्मोन्स पे इफेक्ट डालते हैं जिसमें हमारा जो एंड्रोजन का प्रोडक्शन होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे यही लगता है कि आपको यही फिजिकल एक्टिविटीज करनी चाहिए जैसे कि योगा, ठीक है, बॉडी एक्टिविटी हो गया, फिजिकल एंड मेंटली आपकी जितनी भी एक्सरसाइज होती है वो आपको करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इफेक्ट इसमें डाल सकते हैं इस टाइप की कंडीशन में वो आपका योगा, फिजिकल एक्टिविटी, ये सारी चीजें डाल सकते हैं एज कंपेयर टू मेडिसिन। लास्ट में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे कि फर्स्ट टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं, व्हाट इज पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, एक्सप्लेन द इटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ PCOS। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज डायस्मेनोरिया सिंड्रोम, एक्सप्लेन द इटियोपैथोजेनेसिस एंड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ डायस्मेनोरिया। लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, एक्सप्लेन द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि ये हमारा इस फार्माकोथेरेपेटिक्स में हमारा लास्ट टॉपिक था, लास्ट यूनिट थी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो मेंशन है ये है कंप्लीटेड क्लासेस और नेक्स्ट क्लासेस। जो हमारी क्लासेस कंप्लीट हो गई है उसके आपको नोट्स हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे मिल जाएंगे और उसकी जितनी भी वीडियोज है वो हमारे चैनल नोट्स कार्ड पे अवेलेबल है। तो हमारे यहाँ पे जो डी फार्मा सेकेंड ईयर के जो कंप्लीटेड क्लास हुई है उनमें से फार्माकोलॉजी है, ठीक है, आप इसके नोट्स और वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी है एंड फार्माकोथेरेपेटिक्स है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे अपने एक न्यू सब्जेक्ट से, एक न्यू टॉपिक से, जिसमें हमें बात करनी हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी एंड देन हम बात करेंगे फिर कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू वांट टू कनेक्ट विद अस देन ज्वाइन अवर टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक विल बी मेंशन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच।